झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बदनाम करने के लिए एक फेक FIR कॉपी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वायरल किया गया है। FIR कॉपी में मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद रांची पुलिस फेक FIR वायरल करने वाले की तलाश में जुट गई है। रांची के CT SP राजकुमार मेहता ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। जिस किसी के द्वारा यह कृत्य किया गया है उसकी पहचान कर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फेक FIR में आवेदन रांची के CT SP के नाम से लिखा गया है, जिसमें तमाड़ की रहने वाली एक महिला ने मंत्री पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आवेदन में तमाम कानूनी धारा लगाकर केस भी दर्ज कर दिया गया है, जबकि FIR के लिए थाना में आवेदन देना पड़ता है। फेक FIR में एक लैंडलाइन नंबर भी डाला गया है। रांची के CT SP राजकुमार मेहता ने बताया कि CT SP कार्यालय का फर्जी मोहर का इस्तेमाल कर एक फर्जी FIR कॉपी का इस्तेमाल किया गया है। पूरा मामला ही फर्जी है, इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी को चिन्हित करने के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। रांची से दवन सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, रात्रि से ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एक कूट रचित और एक झूठी प्राथमिकी अंकित किया हुआ आवेदन पत्र जो है वो सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहना है कि जो आवेदन पत्र मीडिया में प्रसारित हो रही है वह पूजा महतो पति शंकर महतो एक छद्म नाम का उपयोग किया गया है और उनके आवेदन पर जो है नगर पुलिस अधीक्षक को संबोधित किया गया है। उसमें जो मोहर लगाई गई है नगर पुलिस अधीक्षक का, जो बिल्कुल ही फर्जी है, कुटरचित है। इस संदर्भ में हमारे गोपनीय प्रवाचक जो है इसमें एक प्राथमिकी अभी कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है 271/24 BNS के विभिन्न धाराओं में हम लोग कांड अंकित किए हैं और जो व्यक्ति इनके द्वारा ये वायरल किया गया है उनके विरुद्ध जो है वो हम लोग अपनी अनुसंधान शुरू कर दिए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं या बिल्कुल ही माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो उसमें दिए गए जो आवेदन है वो झूठा है और कुटरचित है और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, रांची जिला के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।